आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में लोग अनोखे अंदाज में देशभक्ति का प्रदर्शन करते नजर आए, लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में युवाओं ने अपनी देशभक्ति अनूठे अंदाज में व्यक्त की। बता दें कि इन युवाओं ने अपने शरीर पर भारत का नक्शा बनवाया। यह नक्शा देश के शहीदों के नाम से बनाया गया। गौरतलब है कि टैटू के जरिए टैटू आर्टिस्ट माही पाटीदार मल्लिका चौहान ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर टैटू आर्टिस्ट ने देशभक्ति को प्रदर्शित करने के लिए नीरज पाटीदार के शरीर पर 1000 से अधिक शहीदों के नाम का टैटू बनाया। नीरज के शरीर पर बने नक्शे में भारत के हर प्रदेश के स्थान पर उस प्रदेश के शहीदों के नाम अंकित किए गए। टैटू आर्टिस्ट की अगर माने तो वे इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए पिछले 2 सालों से रिसर्च कर रहे थे। साथ ही आर्टिस्ट ने बताया कि इस टैटू के माध्यम से उन्होंने अपने देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तैयारी तो बहुत टाइम से चल रही है, लॉकडाउन की वजह से हमने थोड़ा उसको डिले कर दिया था। बाकी हम लोग की प्रैक्टिस भी चल रही है और हम लोगों ने तैयारी बहुत दिन से स्टार्ट कर रखी थी। देन हम लोगों ने मतलब एक मैप रेडी किया है जिसमें 1000+ नेम है शहीदों के जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, एंड उनको 15 अगस्त के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस नाम के मतलब ये सारा जो मैप है ये पूरा 1000+ नेम से मतलब शहीदों के नाम से बना हुआ है, एंड बाकी तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमने ये सब रेडी किया है, इसलिए हमने 14 अगस्त उसकी डेट रखी है। काफ़ी टाइम से प्लान था कि कुछ रिकॉर्ड बनाना है, कम समथिंग 2 ईयर, तो वैसे कोविड की वजह से कुछ कर नहीं पाए। फिर बाद में प्लान किया कि फ्लेग का कुछ करते हैं या फिर कुछ ऐसा बनाते हैं, क्वान्टिटी या टाइमिंग या सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा, लेकिन ऑप्शन कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहे थे। फिर प्लान किया कि इंडियन अगस्त भी आ रहा था, पहले 2 अगस्त का प्लान हुआ था, फिर सोचा कि 15 अगस्त आ रहा है तो उसी पे थीम भी हमारी यही थी, इंडियन आर्मी में जो लोग शहीद हुए हैं उनके लोगों के नाम से ही पूरा इंडियन मैप बनाया है। और पूरा इंडियन मैप में जैसे MP है तो MP में MP के लोगों का नाम है, गुजरात में गुजरात, दिल्ली में दिल्ली, ऐसे पूरे स्टेट्स में उस लोगों के नाम डाले हैं जो अपने इंडियन आर्मी में जो लोग शहीद हुए हैं उन लोगों, और उसी से पूरा विदाउट लाइनिंग में पूरा ये बना है। यदि लाइन डाल देते हैं तो 1 टैटो हो जाता है, लेकिन लाइन नहीं डाली है तो सब अलग अलग करके टैटो अलग अलग हैं, लेकिन दिखता पूरा अपना इंडियन मैप है। हम कम से कम 2 साल से इसमें लगे हुए थे, 2 साल बाद आज ये करने को मिला। और अभी कुछ सोचा नहीं है, टैटू बनवाना था पहले, पहले से सोचा था कि तिरंगा बनवाऊँ या मैप बनवाऊँ या सोचा। मैया ने बताया कि शहीदों के नाम जो शहीद हुए हैं उनके नाम को टैटू करवा सकता है, लेकिन एक बार टैटू परमानेंट टैटू से रिमूव नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा सोचा नहीं। उनके 15 अगस्त की श्रद्धांजलि देने में दी है उसके तब का हमें बनवाया, क्योंकि शहीदों को श्रद्धांजलि। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से एज ए इंडिया हेड मैंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेंड किए होंगे, पर ये रिकॉर्ड अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत यूनिक है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसी चीज़ों को लिया जाता है जो दुनिया में या देश में फर्स्ट टाइम हो रही है। आज उसी तरह की कैटेगरी में इस जो रिकॉर्ड बन रहा है, महेंद्र पाटीदार और मल्लिका चौहान जी एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, उसमें एक मैप के ऊपर मैप के शेप में शहीदों के नाम लिखे। धार जिले के डही थाना क्षेत्र में मकड़वानी गांव है, यहां पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले फरार आरोपी कालू उर्फ योगेंद्र के अवैध कब्जे को ध्वस्त किया है। पुलिस की माने तो आरोपी के खिलाफ पहले से 4 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 3 मामलों में आरोपी फरार चल रहा है। बता दें विगत दिनों पहले पुलिस ने आरोपी कालू के घर पर दबिश देकर नकली शराब बनाने वाले सामान को जब्त किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में कार्यवाही तेज कर दी है।
आज ये थाना टाई अंतर्गत ग्राम मकड़वानी है, जहाँ पे आरोपी कालू योगेन जो कि अवैध शराब नकली शराब बनाने के चार प्रकरण में दूर से फरार चल रहा है, उसके द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके मकान बनाया गया था, जिसमें आज पुलिस प्रशासन आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा जाकर मौके पर पूरे मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। और इसके पूर्व 5 अगस्त को इसके घर से नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ाई थी, जिसमें 120 लीटर स्प्रिट, होलोग्राम्स, स्टिकर्स और बोतल सील करने की मशीन जब्त हुई थी। और उसके विरुद्ध धारा 34 दो आबकारी एक्ट 49 के तहत कई थाने प्रकरण पंजीकृत किया था, जिसमें फरार चल रहे थे, इसलिए आज ये कार्रवाई की गई। कसनावक तहसील क्षेत्र के मगरखेड़ी गांव में राठौर समाज ने मारवाड़ के महानायक राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की 383वीं जयंती मनाई। युवा संगठन के मीडिया प्रभारी शिव कुमार राठौर ने बताया कि राठौर समाज के वंशज वीर दुर्गादास जी मारवाड़ के महानायक की जयंती शानदार और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। इस दौरान दुर्गादास राठौर के चित्र का पूजन अर्चन किया गया, उन्हें नमन भी किया गया, साथ ही बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया गया। सोमवार को कांग्रेस ने बीजेपी पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई। भोपाल के हबीबगंज थाने पहुंचकर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने आवेदन देकर बीजेपी पर तिरंगे झंडे का अपमान करने का आरोप लगाया। इस मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने कहा कि 15 अगस्त पर प्रदेश के आगर, राजगढ़ और भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में तिरंगे का अपमान किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और RSS की यह सोची समझी रणनीति है जिसके तहत तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस की शिकायत पर मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर 15 अगस्त को 5 जगह पे ऐसे प्रकरण हुए हैं जिसमें सीधे सीधे भाजपा सरकार तिरंगे ध्वज को हमारे अपमानित करती नजर आई है। भाजपा सरकार की लापरवाही होती तो एक जगह पर होती, लेकिन 5 जगह ये क्रमबद्ध तरीके से जिस तरह से किया गया है, ये इसके पीछे क्या इंटेंशन है हमें नहीं पता, लेकिन तिरंगे का अपमान दंडनीय अपराध है भारत के संविधान के अंदर, और उसी की शिकायत करने आए। अगर मालवा का प्रकरण है, राजगढ़ जिले का प्रकरण है, सीधे सीधे मोहन यादव जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम इसके अंदर है, जहां पर तिरंगा उल्टा डाल दिया गया गाड़ी के ऊपर और किसी का निष्कासन नहीं है, मंत्री का यहां इस्तीफा होता नहीं है। बात कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा थाना हबीबगंज में आकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें उनके द्वारा कुछ स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज से के अपमान से संबंधित उसका उल्लेख किया है, और उसके संबंध में आवेदन पत्र दिया जिसकी विधिक राय एवं जांच की जाकर वैधानिक कार्रवाई की। धार के दही में आदिवासियों ने सावन के चौथे सोमवार को नर्मदा के जल से भुवाड़ा बाबा का अभिषेक किया और मंगल आरती भी की। इस दौरान कांवड़ियों ने मेघनाथ घाट से जल भरकर कांवड़ यात्रा शुरू की। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल मौजूद रहे। बता दें, इस कांवड़ यात्रा की अगुवाई जिला जनपद सदस्य दरियाव सिंह ने की। ये सब कांवड़ी यात्रा हम पिछले 14 साल से निकाल रहे हैं, लेकिन पहले हम निकालते थे कोटेसर, जब नहीं डूबा था तो कोटेसर से लेकर के हम दही लाते थे कांवड़ यात्रा, और दही लाके भोलेनाथ जी को हम पानी चढ़ाते थे। और अभी जहां वो क्षेत्र डूबने में आया, उसके बाद हमने बाद में ऐसा लगा कि हमारा भुवाड़ा बाबा से बहुत आस्था वहाँ के आसपास के समथिंग 25 से 30 गाँव की आस्था वहाँ जुड़ी है, तो पहली बार ही हम भुवाड़ा बाबा इस बार मेघनाथ घाट से नर्मदा जी का जल लाकर के भुवाड़ा बाबा लाकर के चढ़ा रहे। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ। जनता की बुलंद आवाज।